उठाएगा, जावेद आके डील लगाएगा, तो कोशिश करें कि ये डील जो है हम खुद लगाने की कोशिश करें जो मर्चेंट है। फिर उसके बाद, अच्छा, फिर उसके बाद हम दानिश भाई का भी यानी कि साथ ले लेते हैं। दानिश भाई को भी हम चीजें काफी वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो हमें माशाल्लाह का ये चीजें डीलर भी यानी कि ये लगा देते हैं, ये इनकी मेहरबानी है। अभी एक और बहुत अच्छी खबर ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे, अभी मैं आपको एक ग्रुप में शेयर भी करूंगा एक चीज, तो जी वो हर शहर टू शहर जो है ना, वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से आपके पास एक लेके आ रहे हैं डेफिनेटली प्लेटफॉर्म, जो आपको पता चले कि इस शहर में ये इतने मर्चेंट है, इतने रजिस्टर मर्चेंट है, और हम वही स्टेज पे जाने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक और हम है लोग यही चीज सोच रहे हैं कि एक्सचेंज आएगी नहीं तो हम फिर आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है अब आराम से बैठने का मतलब सर ये है कि हम अगर आराम से बैठ गए तो ये समझ लें एक्सचेंज फिर 2021 में दिसंबर में जाएगी। ओके तो मेहरबानी करें कि ये कम से कम हम लोग जो है ना अपनी जिम्मेदारी पूरी उठाएं। हर बंदा जी जो मर्चेंट बना है वो अपनी चीज को अच्छे तरीके से डील लगाने का जो सीखने का तरीका है वो अब मैंने बता दिया। इजहार शाह भी है और दानिश भी है और भी इमाम साहब भी हैं और भी साहब हैं, तो मैंने कहा सब लोग अपनी अपनी तरफ से डील लगाएं। ठीक है अब 250 हमारे पास मर्चेंट आ गए, अगर 250 में से सिर्फ सर 100 मर्चेंट जो है ना ईमानदारी से मेहनतें करते जाए तो हम लोगों को अगले 1 महीने बाद उसको 50 पे जाना पड़ेगा। ठीक है अब 50 पे जाने के लिए हमें ये जरूरी है कि हमें इस पे काम करना पड़ेगा खुद, हमें किसी पे वो नहीं रखना पड़ेगा कि वो आके हमें उठाएगा। ठीक है तो बस इस वजह से हम लोगों ने ये मेहनत करनी है कि किस तरीके से मेहनत करनी है। अब आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ना है और ये जो ग्रुपों में कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस इतना हो चुका हुआ कि हम खुद ही भूल गए कि हम किस काम का किस वे पे सही चलना था और कहाँ चल पड़े। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप तो लिहाजा ये मेहरबानी करके हम लोग सब जो है ना अब इस कोरोना वायरस को छोड़ दें, वो तो हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, वो बेहतर है, मगर हम लोगों को अब नहीं अपना रास्ता उसको वे पे चलना चाहिए। और ठीक कल है कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी कि कल ने कि कुछ लफ्ज बोले गए वो मुनासिब नहीं थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कोई भी लीडर को ऐसा लफ्ज कहूं कि वो उसकी ना दिल आजारी हो। ठीक मुझे है मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं किसी को भी ऐसा लफ्ज कहूं। मैंने फिर यही सोचा कि मैं आज मीटिंग रखता हूं, तो मीटिंग रख के कोई सबको यही कहता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर करे, मैं उसका मसले का हल ढूंढ लूंगा। तो यही मेहरबानी है सब लोगों की, आप लोग सब मिलके अगर जो आपके साथ कोई बात करता है कि नेगेटिविटी का कि जी उसने ऐसे किया, तो डायरेक्ट आप मुझे मुझसे उससे राबता करवाएं कि ये बंदा ऐसे कह रहा है, उस बंदे को मैं खुद ही लूंगा उसको। ठीक है सही है और उसके बाद जो भी डील लगती, मैंने शुरू दिन जो ये लफ्ज कहा था इजहार से भी सबसे कहा था कि भाई जो डील लगा रहे हैं आप लोग 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं रख सकते, ये मना है, ये सख्ती से मना है। प्रॉफिट सिर्फ 10%, 10 रुपए रखना है, 20 रुपए रखना, 50 रुपए रखना है, 50 से बढ़ के नहीं रखना है प्रॉफिट। ठीक है सही है ये रिक्वेस्ट की थी, सबसे रिक्वेस्ट की थी, मगर नहीं, जब मैंने अभी रेट देखे हैं तो रेटों में मुझे कोई फर्क पड़ा है काफी, 200-150 का मुझे मिला है, तो नहीं कि मैं अब उनको तरीके से समझाऊंगा कि ये चीज आपकी मुनासिब नहीं है, तो अब आपने डील लगानी है तो इस तरीके से लगानी है, अब ये चीज जो करेगा कोई भी नहीं कि आपको इस तरीके से हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैंने प्लान बताऊं क्या किया हुआ था, मतलब आपने आप कह रहे हैं कि रिव्यू कर लें सारे अपने अपने डीज को कीमतें थोड़ी कम कर दें जी, अपने फीसों को देख लें, जिस बंदे की
अपने गिरेबान में जाके सर देखने हैं। मकसद है ये, सही है। हर बंदे ने ये देखना है कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं अभी जो वादा कर रहा हूँ जुबान से, जो बात कर रहा हूँ वो वाकई वही बात हो। ठीक है, नहीं आज सही कह रहा। अच्छा आप, बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा आइडिया है, बिल्कुल आपने सही बात कही है। फिर उसके बाद मैंने ये प्लान किया कि मेरे पास जो चीज घर में पड़ी होगी, जो मेरे दुकान में शॉप में ऑफिस में पड़ी हुई है, वो मैं 50% पे लगाना चाहता हूँ, जबकि मुझे वो 10% पे 20% पे आई है, मैं वो 100% पे लगाना चाहता हूँ। क्योंकि सर इसको बढ़ा के हमने, मैंने प्लान बनाया था जुलाई के अंदर हम 100% पे और 50% पे चले जाएंगे। ठीक है, गुड गुड आइडिया, जबरदस्त। रहने की मसला ये हुआ कि हम लोगों ने ये कर किया कि वो उसको और डिले कर दिया है, जुलाई के बगैर हम दिसंबर दिसंबर की तरफ जा, वो गलत हो रहा है कि मुझे जो जहाँ काम दिख रहा था ना जुलाई की तरफ, तो माशाल्लाह बड़ी तेजी से इंटर हो रहे थे लोग। ठीक तो है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रोजाना नहीं, अभी आजकल तो जरा काम रुक गया, नहीं तो मैं 4-5 तो मर्चेंट कर ही लेता था। जी जी बिल्कुल। उसके बाद यानी कि मैंने सब भाइयों को कहा कि कम से कम आप लोग तो मिलके साथ चले हमारे, जैसे अभी आप भी माशाल्लाह एक्टिव होते हैं, हर वक्त एक्टिव होते हैं, और भी यानी कि एक्टिव होते हैं। यानी कि मुझे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने पंजाब सिर्फ स्पेशल इसलिए आया था कि पंजाब से सिटी मैनेजर निकालने के लिए, तो सिटी मैनेजर बन नहीं पाई भी, जो मैं सोच के गया था वो सारा वैसे का वैसा ही रह गया काम। वो बहुत अच्छा। बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़े पैमाने पे जाना चाह रहे थे। ये हुआ कि हमारे आगे कोरोना वायरस आ गया, जिस वजह से हमारा काम थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, तो अब हमने जो प्लान किया है कि ये जो कोरोना वायरस खत्म होता है फिर हम पाकिस्तान टूर का चक्कर लगाएंगे करेंगे, और हर बंदा अपने अपने शहर में अपने अपने इलाके में ये इसको मैनेजर जो है ना निकालने की कोशिश करे। जो बंदा कहता है वो मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा, मैं रابطہ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर शहर से हमें मर्चेंट चाहिए। वैसे तो हमें 200 चाहिए, मगर 5 भी बन जाते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिल जाता है, हम उस शहर में जा सकते हैं। ठीक है, उस शहर में जाने का मतलब यह है हमें एक रिश्ता मिल गया, एक स्टॉक वहां खड़े होके हम उससे बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। तो पहले हम लोगों ने सर बहुत पैसा लगा दिया है, करोड़ों रुपया लगा दिया है, तो बेहतर है कि अब हमें कम से कम 5-6 हजार रुपया लगाना सर कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग प्लीज हमारे साथ ये हेल्प करें, हम इसको एक्सचेंज में लाने के लिए। एक्सचेंज में देख लें, बहुत मुल्कों में एक्सचेंज आ चुकी हुई है, एक्सचेंज का मतलब यही है कि डील है। ठीक है, तो मेहरबानी करें कि आप 50% पे भी हम आ जाते हैं उन चीजों पे, अपनी जेब में से भी खर्चा 10 रुपए करते हैं, मैं आप लोगों का वो 10 रुपए खर्चा किसी और चीज में वापस आपको दिलवा दूंगा। मसलन अगर आपने शूज लिए हैं, अगर 2000 रुपया रेट रखा है तो 1000 रुपया उसने लगाया है, तो उसको 1200 रुपए का आता हो, 1100 रुपए का आता हो, जब वो 200 रुपया वो हम लोग उसको किसी और चीज में बेनिफिट दे देंगे वापस, तो ये 50% हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने जितना पैसा लगाया हुआ है, अगर हम उसको इसके सामने मुवाजना कर लें तो ये इसका 1 रुपया भी नहीं 100 रुपए के सामने। हेलो जी जी। अच्छा, तो अब ये देखें कि मैंने अपना सर कारोबार छोड़ के, अपना मैंने ठेकेदारी छोड़ के, सारा काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस पे आ गया हूँ। ठीक है, तो अब मैं खुद भी वहां पैसा इतना कमा सकता था कि, मगर नहीं, यहाँ सर हमारा पैसा इतना लगा है कि हमें समझदारी से काम करना पड़ेगा। और सही,
गवर्नमेंट के अंदर जाने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ चाहिए हमें, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। ठीक है, हम ना क्वाइन बेच रहे हैं, ना क्वाइन की हम किसी से को ये कह रहे हैं कि ये इसको दे दो और इससे पैसा ले लो। ठीक है, सिर्फ हम ये कह रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है ये सारा सिस्टम। कि हमारे जो लीडर है ना वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, हमारी बातों को समझने की कोशिश करें। ठीक है जी, सही है। अच्छा मुजीब साहब, यानी कि आपको पता हम 6 दिन रह के आए इस्लामाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अपनी फैमिलियों से दूर क्यों रहे हैं कि डील शेकर को चेंज की तरफ ले आ जाए? ठीक है जी, एक्सचेंज की तरफ लेके चला जाए। तो अब ने की मसला ये हो रहा है कि मैं जब से कराची आया हूं कि कोई उसके ऊपर वर्किंग नहीं है, कुछ आगे वो नहीं है, बढ़ नहीं रहे। लाहौर वालों की एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हर वक्त एक्टिव होते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब ज्यादा बोला जाता है तो फिर कभी ऐसा भी सीन हो जाता है कि गलत अल्फाज बोले जाते हैं, तो ये चीजें हमें कभी माइनस की तरफ ले जाती हैं, कभी हमें एक्टिव की तरफ ले जाती हैं। फिर उसके बाद फैसलाबाद वाले बिल्कुल सो रहे हैं, फैसलाबाद वाले जाग नहीं रहे। वैसे वो अंदर ही अंदर से काम कर रहे हैं मगर वो सोशल नहीं है ऊपर, मतलब बाहर नहीं बात कर रहे, मगर वो मर्चेंट इतने बना रहे हैं कि मुझे सब कुछ दिख रहा है कि मर्चेंट कितने बन रहे हैं। और मैं तकरीबन 18 घंटे 1 लाख को इसको डील चेकर को देता हूँ, 18 घंटे मैं डील चेकर को देता हूँ। मेरी जो दिन रात की जो मेहनत है मैं ये इसीलिए लगा हुआ कि मेरे जैसा कोई और भी 4 लीडर मुझे मिल जाए, मेरा हिस्से का काम जो है ना वो उनको सौंप दूं। अब मेरी आवाज आ रही सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो असल में इधर मेरे बच्चे शोर कर रहे हैं तो इस वजह से मैं म्यूट कर लेता हूँ, आपकी बात नहीं फुल सुन पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अगर एक्सचेंज के ऊपर जाना है तो हमारे साथ सर मिलके चलना पड़ेगा। तो सर जी आपका क्या नाम है? आप खामोश बैठे हुए। हेलो मलक सर। जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, ने कि आप लोग भी कुछ बोले, मैं आपको भी अब बोलने की इजाजत देता हूँ। भैया मैं आखिर में इंशाल्लाह आपसे ना कुछ सवाल करूंगा, आप अभी कंटिन्यू रखे। ठीक है सर, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग इसको हमने आगे कैसे सर बढ़ने हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे के साथ रब्ता करने पड़ेगा। रब्ता नहीं रखेंगे तो फिर कि हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, और दूसरे मुल्कों में सिस्टम शुरू हो चुका हुआ है तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप लोग सब मिलके ना हम लोग आगे बढ़े और आप लोग हमारा साथ दें। हम लोग सिर्फ आपसे साथ मांग रहे हैं आपकी फिजिकली, और कोई वो हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे। आप लोग डील बाय करें, जैसे मुजीबुर रहमान साहब है माशाल्लाह, इनके अंदर मैंने ये बड़ी खूबी देखी है, ये हर डील बड़ी अच्छी है। मुझे खुशी की बात ये दिखती है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिंगापुर के हैं ब्रेड पॉप, वो कहते हैं कि जो डील आप खुद बाय करेंगे तो आपको ज्यादा तजर्बा होगा ये कितनी सी डील।
माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी है की खबर है कि ये वो वहां तो 8,500 मर्चेंट हुआ है, हमारे पास 250 है। अगर हम 250 को भी उठा लें मिलके, सब एक दूसरे की डील को बाय कर लें, तो फिर हम वही बंदे जो है एक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। कोशिश करें कहने की आप लोग भी जो है ना हमारे साथ आगे बढ़े। देखें हम अकेले कुछ नहीं है, तीनों बंदे। जावेद शाह भाई सॉरी मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह जो भी बड़ी सी बड़ी डील लगेगी इंशाल्लाह मैं उसमें आगे आई हूँ। ये मुझे बड़ी अच्छी खबर, अच्छी जो आपने पूछा की मैं डील बाय की, मुझे खुशी हुई। आपने शूज बाय किए, आपने सूट बाय किए, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कहने की बात ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चले हमारे अंदर कुछ लोग हैं कि वो डील को समझते हैं और बाय भी करते हैं। अब सर देखे हमने बेड़ा उठाया ना, मैंने हुसैन साहब ने डील बाय की, तो इंशाल्लाह आप देखें बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह ये सारी डीलें जो है ना ये लोग बाय कर लेंगे। तो इस तरह सर मोटिवेशन बनती है ना, कोई ना कोई तो पहल करेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो अब सर सर हमारा जो है ना कोरोना वायरस ने भी थोड़ा सा हाथ को रोक लिया है, नहीं तो हम इस वक्त 500 मर्चेंट होना था आज। मैंने बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, 500 मर्चेंट होना था, 500 मर्चेंट। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। तो सिर्फ क्यों नहीं मर्चेंट 500 हो सका कि एक कोरोना वायरस की वजह से, और हमें एक गवर्नमेंट के ऊपर लीगल करार कराना है इस वजह से हमारा हाथ रुक गया था। नहीं हमने जैसे पंजाब में थे, हमने तो हर शहर से 5 मर्चेंट उठा लेने थे। तो यही है हम कोशिश करें, हमारे साथ चलें। बड़ी मेहरबानी आपकी कहने की, आप लोगों के साथ ही हम बड़े हैं, हम कुछ नहीं है। और हम पहले भी 3 बंदे काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। डीले बड़ी हैं, आप लोगों की वजह से बड़ी हैं। अब मैं लोगों को सवाल का जवाब देता हूं, अब जवाब वो सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अब सबसे ज्यादा मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। जावेद शाह भाई माशाल्लाह आप हम इसी तरह जो है ना पुश किया करें तो एनर्जी आएगी या मोटिवेट होंगे, ये बहुत जरूरी है सर। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है ना, फिर अप डाउन हो जाता है इंसान, तो ये बहुत जरूरी है। ये मैं तो वीक बेस पे होना चाहिए यहाँ, मैं इंशाल्लाह ताला ये रखूंगा, लोगों के मसले मैं इस पे हल किया करूंगा। हाँ ये बहुत आपने अच्छा काम किया, मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ इस पे। थैंक यू सर। मैं भी शाह साहब आपको आफरीन कहता हूँ, आपने जो बहुत अच्छा काम किया, और इसी तरह अगर आपकी मीटिंग जारी रही तो इंशाल्लाह हमें ऑक्सीजन बढ़ती रहेगी। और हम सर मियां साहब अपनी तस्वीर को तो ओके करें। मियां साहब तस्वीर ओके नहीं हो रही? नहीं तस्वीर आपकी वो है, तस्वीर को करें आप, अपनी तस्वीर को खोले, वीडियो को जो है ना नीचे रेड को उसको क्लिक करें। आप इसमें आ रही है? नहीं अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। मैं फिर मजीद रोशनी में जाता हूँ, मैं छुप के कमरे में बैठ गया था ताकि आपका कैमरा लगता है ऑन नहीं हुआ कैमरा। मुझे तो आपकी तस्वीर बहुत अच्छी आ रही है। वो सर मेरी आ रही ना, आपकी भी तो आए ना अभी आ नहीं रही। अभी अजानें शुरू हो गई फैसलाबाद में। अच्छा जी आप नमाज पढ़ने जाएं, आप हमारे 7:15 होती है 7 बजे। जी भाई आप भी बोल रहे, कैमरा ऑन किया आप भी आए सामने। जी राजा साहब बोले। अस्सलाम वालेकुम जावेद शाह साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आपने ये सिस्टम शुरू किया है। और मेरा ख्याल है कि इसमें बजाय कोई सवाल करे मैं अपने कीमती मशवरे दें हमें कि हम इस सिस्टम को कैसे आगे ले जा सकते हैं।
जी 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 बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि जिस तरह कोरोना की वजह से हमें 14 छुट्टियां मिली हैं, जी जी, तो इन छुट्टियों में ज्यादा काम हो सकता है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। और माशाल्लाह अभी भी हम अभी अभी एक लेबर ऑफिस से डिलीवरी जो है करके आए हैं, मैं और डॉक्टर जुबैर साहब लाहौर में भेजी है हमने, वो ग्रुपों में शायद आपने देखी भी होगी। और एक कॉलोनी भी हमने विजिट किया है आज, उससे भी बात चल रही है हमारी इधर कुड़िया वाला में जी। इंशाल्लाह जल्द हमारे मर्चेंट बनेंगे। तो माशाल्लाह अब हमारे पास भी टाइम है, और जो दोस्त टाइम नहीं दे पा रहे थे वो भी अब टाइम दे रहे हैं, तो उनसे मिलके आए हैं और काफी पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि मर्चेंट बनाएं। जी जी, तो हम तो अपनी जगह पे लगे हुए हैं, और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो सारे सिस्टम में आए और वो डील शेकर को बाय भी करें और मर्चेंट भी बनाएं, खुद भी बने और दूसरों को भी बनाएं। अच्छा, ये सैयद रहमत शाह साहब भी आए हुए हैं, मगर वो उनको मेरा ख्याल उन्होंने वीडियो नहीं क्लिक की, मेरा ख्याल अजान का टाइम हो गया है। मुजीब साहब आपका भी मेरा ख्याल नमाज का टाइम हो चुका होगा शायद। जी सर बिल्कुल, अजान हो गई है। तो आप लोग नमाज पढ़े फिर रहने की, अजहर भाई आप भी नमाज पढ़े, कोई और आ जाए। हाँ, मैं नमाज के बाद। अच्छा, मेरी एक सजेशन थी जावेद शाह साहब। बोले, बोले बोले बोले। अच्छा, कि ये जितने भी ग्रुप के अंदर लोग हैं ना, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि इन सबको एक ऐसा मैसेज जाए कि जो भी ग्रुप के अंदर चाहे कि वो सर्वाइव करे वो डील बाई करेगा, जो डील बाई नहीं करेगा उसको ग्रुप में सर्वाइव करने का मतलब वो ग्रुप में नहीं रहेगा। तो इस तरह सर थोड़ा सा लोगों के ऊपर प्रेशर जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि सारे लोग सामने आएंगे, ये सारे लोग इनका दिल कर रहा है लेकिन ये पीछे पीछे हो रहे हैं, तो इनको आगे लाना है हमें, क्योंकि काफी सारे लोग हैं ग्रुप के अंदर, कोई 1000 से ऊपर बंदा होगा कम अज कम। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं ये काम करता हूं इनके लिए सर, क्योंकि देखे ना आप सिर्फ तमाशा तो नहीं देखना ना, इन्होंने कुछ काम भी करना है। तो हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी, मतलब मैंने अफान साहब को उधर सिंसियर लीडर में ये मशवरा दिया था कि इनको एक ऐसा आप बनाए इनके लिए स्ट्रेटजी के सारे लोग एक एक डील बाई करेंगे, इस तरह सर फिर एक पोटेंशियल बनेगा ना, लोग आगे आएंगे, इनके अंदर जज्बा मतलब पैदा होगा। अब तो सारे लोग कम ही लोग जो कि काम कर रहे हैं, बाकी तमाशा देख रहे हैं सारे लोग ज्यादातर, मुझे कितना लग रहा है। एक बात करनी थी, बात ये करनी थी, अब आपके सामने जो है ना जो सेंसियर लीडर हैं या ऊपर वाले जो लीडर हैं सर, वो बिल्कुल ईमानदार हैं, इसमें एक रुपया भी किसी का वो किसी का खाते नहीं है, एक रुपया भी किसी का नहीं, और वो सच्चे हैं, सारे सच्चे हैं वो। एक बंदा भी, तीनों बंदों में से मैं हो गया, रजब हो गया, अफान हो गया, ये हम जो है ना आप लोगों को हम वो चीज देना चाह रहे हैं जो असूलन देनी चाहिए थी स्टार्ट में। बिल्कुल, हमारे पास अब कोई ऐसा जरिया नहीं है कि हम लोग आप लोगों को आप लोगों के घरों में जाके पैसा दें कि ये लो पैसा ले लो ये उठ जाओ। हमारी कौम ऐसी हो चुकी हुई है कि वो ये चाहती है कि हमें घर बैठे ही सारा कुछ मिल जाए। सर यही है ना कि एटीएम मशीन हो, हम उसमें क्वाइन डाले और हमें कैश मिले, यही सारा जो है इसका वेट कर। अच्छा, ये यकीन करें अगर अभी भी नहीं होगा तो समझ लें कभी भी नहीं होगा। अभी इतनी अच्छी यानी कि सिस्टम चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी डील रजिस्टर हो रही है, मर्चेंट बाय रजिस्टर हो रहा है, प्रॉपर क्यूई हर प्रॉपर तरीके से हो रहा है। हम लोग एक रुपया भी यकीन करें अपनी जेब में से 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए डाल के करते हैं। सही बात है, लोगों के दिलों में ये ना आए कि जी नहीं ये बंदे पत्नी अपनी जेब में डाल रहे हैं। बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सब कोशिश करें सर, जैसे सर आप भी डील बाय करते हैं और ये दिखाते भी हैं कि मैंने ये डील बाय की है, ये मैंने डील ने इसको देखा है, ये बहुत अच्छी है, तो आप एक्टिव हैं, बीच कोशिश किया करें कि हम एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आए, जैसे आपकी अखलाक बहुत है ना, इसी तरह ही दूसरे का भी अखलाक उतना ही होना चाहिए। आप इज्जत करते हैं, दूसरे को भी इज्जत करनी चाहिए।
सही बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग बेहतर है कि अगर एक साथ के जुड़े रहें। मैं कोशिश करता रहूंगा कि अब हमें आपस में जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ये बस इस पर, ये नहीं कि हमें पीछे ही चले जाना चाहिए, बैकअप पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल 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 आपने सही सही कहा। अब सर नहीं, वापस जाने का टाइम खत्म हो गया है, अब सिर्फ हमने आगे जाना, आगे बढ़ना है। बिल्कुल आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए फिर हमें यहाँ से हमें उठना पड़ेगा। बिल्कुल, तो कोशिश करें कि सब लोग मिलके हम लोग आगे बढ़े। तो आप लोग भी कल अच्छी नहीं थी, आज रिपोर्ट में कहता हूँ आज ग्रुपों में अच्छी अच्छी बातें शेयर करें और अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये रिकॉर्ड हो रही है बातें, ये अब अफान की उसमें जाएगी या नहीं, यूट्यूब में। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा ख्याल टाइम तकरीबन खत्म हो गया हुआ है, अब वो बंद होने वाला है ये। जी सर, अभी नमाज का टाइम भी हो गया ना, नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो अब किसी और का सवाल ले लेते हैं, कोई और सवाल कर सकता है भाई, कर लें। हेलो, ये किसी भाई ने कोई क्वेश्चन लिखा है, मैं गोश्त की डील, ये किसी ने अभी मैंने देखा है, कोई मैसेज किया है अभी। जी जी, मैं कराची में गोश्त की डील लगवाना, मैं इसका नंबर ले लेते हैं सर, यानी कि ये मेरा ख्याल कोई लेडीज है शायद, रजवाना रजवाना, ये अभी देखता। अदनान कुरैशी, अदनान कुरैशी नाम आ रहा है। अच्छा, अदनान कुरैशी आ रहा है जी। एक और भी है रेड पर फ्रेश, ये अभी गोश्त की डील का भी मैं इनसे राब्ता कर लेता हूँ। ये जो भी हैं अदनान भाई हैं और अदनान कुरैशी साहब हैं, रजवाना कोई है, और ये भी मेरे से राब्ता कर ले, मैं आपकी जो डील को कि ये लगवा देता हूँ और आपकी डील जो है ना लोग बाय भी करेंगे, कराची के अंदर बाय करेंगे। तो मेहरबानी करके सब अपने अपने शहरों में आप मर्चेंट उठाने की कोशिश करें, ठीक है सर? बिल्कुल। सबने अपने अपने ना म्यूट किए हुए हैं, मैं कहता हूँ इसको खोल दें, इनको जो ना आवाज जो ना ओपन कर दें, सब बंदे अपनी अपनी उसको बाय कर सके। जी, कोई है और साहब? वालेकुम सलाम। जी साहब, कौन साहब? कैसे हैं जावेद भाई? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन साहब? आवाज म्यूट करना। जी जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। आपका नाम? सर जावेद भाई, मेरा नाम अदनान है और मैं कराची से हूँ, और मेरी लास्ट वीक आपसे बात हुई थी, और तो मैं ये कहना चाहता हूँ जावेद भाई, मेरे पास 2-3 डील्स हैं, और इंशाल्लाह बेहतरीन रेट पर हैं और फ्रेश है। ठीक है, अच्छा तो अदनान भाई आपका पास मेरा नंबर है? जी जावेद भाई, आप देखिएगा, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं फ्रेश मिल रही है। ठीक है जी, मैं आपका नंबर पे यानी रابطہ करता हूँ थोड़ी देर तक। डील बहुत बेहतरीन रेट पे और फ्रेश मिल होगा इंशाल्लाह, उसका की जैसे हमारी बेकरी है, होटल्स है, सारी चीजें हैं, और हम आपके सामने ताजा चीज प्रोवाइड करेंगे, तो उस पे जो हम डील्स लगाएंगे वो मार्केट रेट के मुताबिक, क्योंकि मेरा एक विजन है जो मैं, और जाहिर सी बात है मुझे कंपनी का विजन होगा, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि यूजिबिलिटी मेरे अंदाजे से जावेद भाई वही है जो हम मार्केट रेट पर होगी। ठीक है, तो मार्केट रेट तो होगी तो यूजिबिलिटी क्रिएट होगी, यूजिबिलिटी क्रिएट होगी तो कंपनी ग्रो करेगी, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड 37 लाख जो मेंबर्स हैं हमारे सभी का फायदा है। जी सर, तो मेरे सोच ये कि सर यूजिबिलिटी असल में यही होगी जो हम मार्केट रेट पे चीज दें। जी, और मैंने आपका वेबिनार अभी ज्वाइन किया, देखा है, फर्स्ट टाइम हूँ मैं, इतना मुझे कोई नो हाउ तो नहीं है, लेकिन जो मेरा माइंड वो यही है,
हम मार्केट प्राइस पे फॉर एग्जांपल गोश्त है तकरीबन 650 रुपए किलो, तो उसको सर हम लगाते हैं तकरीबन 550 रुपए किलो पे और 100 रुपीज के बकाया जो है उस पर हम क्वाइन देंगे। जी जी कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। और बिल्कुल फ्रेश जो आना चाहे देखना चाहे अपने हाथों से लेना चाहे वो ऑनलाइन भी ले सकता है और आने के बाद देखकर फ्रेश मीट ताजा जानवर सारी चीजों के बाद भी ले सकता है। ठीक है सर। अच्छा इसके अलावा एक मिठाई की डील है तो उसपे भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ साहब हैं ये कह रहा है कि मैं मोबाइल की जी जावेद जी ये मोबाइल की